गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी हैव स्टार्टेड आर 10th चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी जो वैराइटीज होती हैं वो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक यूज में कैसे हम यूज कर सकते हैं. कर्ड है, डो है, डो से फर्मेंटेशन के द्वारा जो है वो डिफरेंट बैक्टीरियाज फर्मेंट होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं. चीज़ की वैराइटीज हमने कहीं स्टडी की और किस चीज़ के लिए कौन सा बैक्टीरिया, क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सब हमने डिस्कस किया, राइट. सो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है. अब इंडस्ट्रियल फ्रंट की उसमें माइक्रोब्स का क्या योगदान रहता है, ठीक है, कौन से ऐसे ही माइक्रोब्स हैं जिनका हम इंडस्ट्रियल यूज हम कर सकते हैं, ठीक है. देखिए, इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो उसमें जो माइक्रोब्स यूज होती हैं वो यूज होते हैं किस कारण, जस्ट टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर वैल्यूएबल फॉर द ह्यूमन बींग्स, ठीक है. अब जैसे हमने हमने हाउस होल्ड में हमने देखा था कि माइक्रोब्स जो हैं वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कैसे हम बना सकते हैं उनसे. तो अब जो माइक्रोब्स हैं इंडस्ट्रियल यूज में, देखिए बेसिकली क्या बनते हैं, जो ड्रिंक्स होती हैं, बीवरेजेस होती हैं, ठीक है, जो फर्मेंट बीवरेजेस होती हैं वो किसके द्वारा बनती हैं, वो दे आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है. और जितने भी अगर हम वैक्सीन्स की बात करें तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी किसके द्वारा बनाई जाती हैं, माइक्रोब्स के द्वारा, ठीक है. तो देखिए, ये जो फर्मेंटेड बीवरेजेस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं, मगर कैसे, ठीक है. तो जो फर्मेंटेड बीवरेजेस हैं और जो एंटीबायोटिक्स हैं, दीज ऑल आर डन थ्रू और बाय फर्मेंटेशन, ठीक है. माइक्रोब्स यूज होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स आर used to synthesize a number of products which are valuable for the human beings, for human beings, right? For example, the fermented beverages and antibiotics. Clear? This all is done by fermentation process. ठीक है? Fermentation होती है. ठीक है. एंड ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन जो माइक्रोब्स होते हैं, देखिए वो फर्मेंटेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है, फर्मेंटेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स को इनिशिएट किया जाता है जस्ट टू डिवाइड, टू इंक्रीज देयर नंबर, ठीक है. एंड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के दौरान माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत एक बड़े वेसल के अंदर उनको ग्रो करवाया जाता है जिसे हम कहते हैं फर्मेंटर, राइट. So during fermentation, microbes are grown in a large vessel. ठीक है, एक बहुत बड़ा वेसल होता है जिसको फर्मेंटर कहा जाता है और उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है जिसमें माइक्रोब्स जो हैं दे ग्रो इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं अपने आप को कॉल्ड फर्मेंटर, राइट. तो देखिए, जो फर्मेंटेड बीवरेजेस हैं, ठीक है, जो फर्मेंटेड बीवरेजेस हैं उनके अंदर जो है यीस्ट का यूज होता है, जो यीस्ट होता है, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस बाय फर्मेंटेशन, ठीक है. और इसको जो है, जो यीस्ट होता है वो होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसे, जिसको बहुत कॉमनली कहा जाता है ब्रूअर्स यीस्ट,
ठीक है, ब्रूअर्स यीस्ट कहा जाता है, बेकर्स यीस्ट अलग है, वो बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, जैसे आपके ब्रेड हैं, केक है, मफिन्स हैं, ठीक है, उनके लिए यूज किया जाता है, जितना भी आपका इडली डोसा वगैरह है, ठीक है। और बट जो बीवरेजेस की अगर हम बात करें तो उसमें जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, इट इज नोन एज द ब्रूअर्स यीस्ट। Fermented beverages, right? So, main yeast की अगर हम बात करें, ठीक है, वो होता है Saccharomyces, Saccharomyces cerevisiae, ठीक है, जिसको कहा जाता है कॉल्ड ब्रूअर्स यीस्ट, राइट, ब्रूअर्स यीस्ट कहा जाता है उसे। अब देखिए, ये जो यीस्ट है, जो ब्रूअर्स यीस्ट है, ये जो सैक्रोमाइसिस सर्विसे है, उसका क्या यूज होता है, जब इट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग द माल्टेड सीरियल्स, ठीक है, क्योंकि देखिए जो 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 बीवरेजेस होते हैं वो किससे बनता है, सीरियल से बनता है, ठीक है, यू नो जैसे वाइन वगैरह है वो ग्रेप से, फाइन क्वालिटी ऑफ यू नो ग्रेप्स यूज होते हैं, और काफ़ी यू नो एजिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन होती है, और वो आप निकाल लीजिए कि डिपेंड करता है कि जितना पुराना यू नो दैट लिक्विड इज ओल्ड, उतना ही जो है उसका जो उसका जो जो उसका आप कह सकते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक जो टेस्ट होता है वो उसके अंदर, उस बीवरेज के अंदर, उस यू नो उस वाइन के अंदर आता है, ठीक है। तो फर्मेंटेड होती है माल्टेड सीरियल्स की, ठीक है, और फ्रूट जूस की होती है टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। जो माल्टेड सीरियल्स और जो फ्रूट जूस है उसमें फर्मेंटेशन के द्वारा जो है उसमें इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है और जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, ठीक है। लाइक अगर हम प्रॉपर अल्कोहल की बात करें तो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर हम कुछ यू नो फ्रूट जूसेस या वाइन की बात करें, वो यू नो वो उससे इतना अल्कोहलिक वो नहीं होती, उनकी यू नो अल्कोहल रेशियो अलग अलग होती है बीवरेजेस की, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल और जो उसके द्वारा जो है, जो प्रोसेस के द्वारा जो उनको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे वाइन और बियर है, ठीक है, हम जैसे हमें बात कर रहे थे, जो वाइन और बियर है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, उनमें डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं होता, और इसीलिए जो उनका अल्कोहल कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है, ठीक है। अल्कोहल कंसंट्रेशन लो होता है वाइन और बियर के केस में, वाइन एंड बियर, ठीक है, दीज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, विद राइट विद लो एल्कोहल कंसेंट्रेशन, ठीक है। अगर हम बात करें ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें विस्की की या ब्रांडी की, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा जो है वो फर्मेंट होता है, उसका ब्रॉथ और उसका जो एल्कोहल कंसेंट्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू वाइन एंड द बियर, सॉरी बी डबल ई आर, क्लियर। वाइन और बियर एल्कोहल कंसेंट्रेशन लो होता है, ब्रेंडी और विस्का का कंसेंट्रेशन हाई, एल्कोहल कंसेंट्रेशन हाई होता है, और दीज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन एंड दे आर प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिलेशन बाय फर्मेंटिंग द ब्रोथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, ठीक है। देखिए, जो एंटीबायोटिक जो टर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज गिवन बाय द वैक्समैन इन 1942, ठीक है। इसका बेसिक जो मतलब होता है वो होता है अगेंस्ट लाइफ, है ना, ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि एंटीबायोटिक्स हम कब यूज लेते हैं, व्हेन वी आर सफर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सीरियस डिजीज, ठीक है। तो उन पैथोजेंस, उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉरी के अगेंस्ट हम लेते हैं एंटी, है ना, उन वायरसेस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटी हम ये जो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। सो इट मींस
अगेंस्ट लाइफ ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, वो क्या है, पेंसिलिन, ठीक है। जो पेंसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, जिसने किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, जब वो स्टाफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर वो अपनी रिसर्च अपना काम कर रहे थे, ठीक है। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज पेंसिलिन, ठीक है, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, वाइल वर्किंग ऑन स्टाफिलोकोकस, ठीक है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के काम करने के दौरान जो है वो पेंसिलिन जो है वो डिस्कवर्ड हुई थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट, ठीक है। अब देखिए, जो एंटीबायोटिक्स हैं, पहले जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, बट अब अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन है एंटीबायोटिक्स का, दैट हैज़ बीन स्पीड अप एंड स्प्रेड बाय एक्सीलेंट एफर्ट ऑफ मिस्टर अर्नेस्ट, जो अर्नेस्ट चेन थी और हॉवर्ड फ्लोरे थे, ठीक है। अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे के द्वारा जो है एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा, यू नो, स्प्रेड हुआ। और इसी काम के लिए जो है बोथ ऑफ देम, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, वॉज यू नो दे गॉट नोबल प्राइज इन 1945, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, क्या होता है, सो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड होते हैं, मगर वो क्या करते हैं, दीज इनहिबिट ग्रोथ और किल दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बेसिकली दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट किल दी दैट यू नो इनहिबिट दी ग्रोथ और किल दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनकी, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटीबायोटिक होता है, इट शुड बी ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, शुड बी ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, राइट, देन इट शुड चेक द डेवलपमेंट ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो यू नो पैथोजन, जो पैथोजन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट कहाँ तक हुई है, वेदर दे आर यू नो दे आर जस्ट इनिशिएटेड देयर ग्रोथ और दे आर यू नो डिवाइडिंग देमसेल्स, ठीक है। तो उनकी जो पैथोजन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट को जो है वो चेक करता, मतलब करना चाहिए उसको, इट शुड चेक द डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स और क्या उनको करना चाहिए, उनको यू नो जो पैथोजेंस की जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, ठीक है। एंड एंटीबॉडी शुड अटैक ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ द पैथोजेंस, राइट। So, should attack on metabolism of pathogens, right? Then, ये देखिए जो होस्ट है, होस्ट मतलब जो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर इनका कोई भी असर नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू द होस्ट, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस के अगेंस्ट होना है ना, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है होस्ट को, तो इसको यू नो हार्म नहीं होना चाहिए, सो इट शुड नॉट कॉज
any harm to the host. Right? Then, जो देखिए अगर pathogens काफ़ी specific होते हैं ठीक है, तो जो antibiotics होते हैं उनको भी specific ही होना पड़ता है ठीक है. वो randomly जो है you know act नहीं कर सकते, their action should be what? Specific. ठीक है, action should be specific, right? अगर हम बात करें एंटीबायोटिक के सोर्सेज की ठीक है, तो जितने भी एंटी बॉडीज होती हैं दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस ठीक है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड दी स्ट्रेप्टोकोकस राइट. देखिए कुछ केमिकल्स आते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं बिसाइड द यू नो माइक्रोब्स. सो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अगर हम बात करें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. देखिए जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स जो फंक्शनल होते हैं लिविंग सिस्टम में ठीक है. दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फंक्शनल इन लिविंग सिस्टम. विच आर फंक्शनल इन लिविंग सिस्टम ठीक है. आप जैसे जितने भी यू नो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एल्कोहल है, एंजाइम्स हैं एंड साइक्लोस्पोरिन ए है, साइक्लोस्पोरिन ए राइट. ऑल दीज आर दी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. अब देखिए जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उसमें दिस इंक्लूड्स सिट्रिक एसिड ठीक है, जो एस्पर्जिलस निगर प्रोवाइड करता है, जो फंगस होता है. एसिटिक एसिड है जो यू नो एसिडोबैक्टर प्रोवाइड करता है ठीक है. सो ऑर्गेनिक एसिड्स citric acid, aspergillus niger which is a fungus ठीक है, fungus है एक right. then is the acetic acid. acetobacter एसिटिक ठीक है. देन ब्यूटायरिक एसिड, कोलोस्ट्राइडम कोलोस्ट्राइडियम ब्यूटीलाइका राइट. देन द लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस ठीक है, जो डेयरी में हमने lactobacillus राइट ठीक है. अब देखिए एंजाइम्स और उनके फंक्शंस क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे लाइपेज, जो लाइपेज एंजाइम है वो यू नो जो ऑयली स्टेन होता है क्लोथ्स के ऊपर उनको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. जो पैक्टेंस एंड प्रोटीजेस हैं वो यू नो दे आर यूज्ड इन द बॉटल जूस. जो बॉटल जूस होते हैं, जो पैक्ड जूसेस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पैक्टिनेस एंड द प्रोटीएजेस. और स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है दिस इज यूज्ड इन रिमूविंग द क्लॉट ब्लड वेसल ड्यूरिंग द हार्ट अटैक राइट. और अगर हम बात करें अब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स और उनके यूजेस की, तो जो साइक्लोस्पोरिन ये जो ए है ठीक है, वॉट इट इज अ फंगस, मतलब जो सोर्स होता है उसका वो होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम
ठीक है, और वो उसके लिए वो क्या रिस्पॉन्सिबल करती है, इट सपोज द इम्यूनो सप्रेसिव, इट एक्ट्स एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और जो स्टैटिन्स होते हैं वो मुनास्कस होते हैं पर्पसिव, दैट यू नो एक्ट ऑन ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एक्ट एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोबिंग एजेंट, राइट।